नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टॉक 62.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 2.36% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 43,975 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 86.50 है, बुक वैल्यू 23.50 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 2.09 है एंड फेस वैल्यू 10 है। बेसिकली इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये 50 एंड 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी मीडियम से नीचे है, जो कि एक अगेन बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो देखिए चार्ट में क्या देखा गया है, आज आज देखा गया है 2.36% का डाउन मूव, वॉल्यूम आज आया है 52 मिलियन का एंड कल देखा गया था 4% का अप मूव एंड वॉल्यूम आया था 74 मिलियन का। तो देखिए वॉल्यूम में तो लगभग लगभग 20 लाख के आसपास का डाउन मूव देखा गया है ऑफ कोर्स, बट सो ये स्टॉक यहाँ पे अपनी स्ट्रांग होल्ड बना चुका है। ये रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दी थी एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसने रिजेक्शन ली थी एंड उम्मीद थी कि ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया था। बट आपको पता है कि आज फिर से 82-85% स्टॉक्स रेड में ही क्लोज हुए हैं एंड उसका प्रभाव यहाँ पे भी देखा गया है। ऑफकोर्स निफ्टी में काफ़ी वॉलीटिलिटी थी एंड फिर उसके बाद नो डाउट उसमें अप मूव भी आया है, बट थोड़ा सा ये ज़रूर देखा गया है कि यहाँ से सपोर्ट से ये वापस लेके गया है यहाँ से रिवर्सल। तो अभी ये बिल्कुल अपने स्ट्रांग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है एंड होपफुली स्ट्रांग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रांग सपोर्ट के बीच में ये ट्रेड कर रहा है एंड हो सकता है कि थोड़ा सा यहीं पे ये घूमे। बट एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि देखिए RSI ने ना फिर से सपोर्ट ले लिया है एंड सपोर्ट लेके जब इस लाइन पे सपोर्ट लेके मूव देती है तो काफ़ी अच्छे मूव देती है, एक ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। दूसरा पॉइंट हमारा ध्यान में रखने वाला ये है कि ये वाले रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आया तो हो सकता है रेजिस्टेंस टूट जाए। हाँ, पर एक ज़रूर चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मार्केट भी थोड़ा सा साथ दे, जैसे निफ्टी है, निफ्टी भी थोड़ा सा साथ दे तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। एंड अभी के लिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने ये जो EMA क्रॉस की जो ये लाइन है 9 वाली, इसको सपोर्ट ये बना के चला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगी बोलिंजर बैंड का। तो बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ इसका माउथ नैरो हुआ है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे माउथ नैरो करता गया है उसके बाद इसने दिए हैं बहुत अच्छे मूव। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका माउथ नैरो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे नैरो कर रहा है माउथ एंड हो सकता है कि यहाँ से ये एकदम से फट के निकल जाए। तो हो सकता है कि यहाँ पे एकदम से मूव हमें देखने को मिल जाए इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके। तो ये ज़रूर बात है ध्यान में रखने वाली एंड मुझे लगता है कि लाइव मार्केट के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली हमें देखना, ध्यान देना चाहिए। तो एंट्री की बात से पहले हम चलते हैं BSE पे। तो BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड यहाँ पे एक न्यूज़ आई है आज और वो मैंने ओपन कर रखी है। इसमें इन्होंने बोला कि जो इनका एनुअली इंटरेस्ट होता है जो कि इशू साइज है उसका 600 करोड़ का एंड ये इंटरेस्ट होता है, ये सब कुछ सारा कुछ जो है इन्होंने ये पे कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पे कर दिया है। कोई मुझे लगता नहीं है वैसे इस न्यूज़ से प्राइस के आप डाउन मूव में किसी भी तरीके का फ़र्क पड़ेगा, हालांकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये कंपनी के जो फाइनेंसिस बिल्कुल राइट प्लेस से होते हैं, कोई डिले नहीं होता पेमेंट में, तो ऑफ कोर्स एक काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड वैसे भी इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है इस स्टॉक का। तो मुझे लगता है लॉन्गर रन में तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे 85-90 के आसपास के मूव दिखा सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले एंड उस जो की बात है 2-2.5-3 महीने की। एंड यहाँ पे अगर अभी बात करें तो मुझे लगता है कि ये वाली काफ़ी स्ट्रांग इसकी रेजिस्टेंस बनेगी जो है 64.30 पे आ रही है। तो मैं मानती हूँ कि 64.50 से अगर ये निकल गया और वहाँ पे सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म क्या दोनों की एंट्री खुल जाती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं वैसे भी यहाँ पे एंट्री बना लेती। शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट के ऊपर ध्यान देती क्योंकि रिस्की है आजकल मार्केट में सब कुछ एंटर करना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी स्टेबल हो जाए तो उसके बाद करें। वैसे मुझे लगता है कि ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, जो ये पुरानी विक है इसकी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि कल ये अच्छे मूव हमें यहाँ से दिखाए। एंड हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है इस मार्केट को, इस सॉरी मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ही निकल जाए, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मूव दे और इस वाली रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना ले। अगर इस वाली रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना लेता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसके बाद इसका ना स्ट्रांग यहाँ पे होल्ड बन जाएगा एंड उसके बाद वो मूव देगा तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे मूव दे सकता है थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये
ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।